पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा हादसा, विसर्जन के दौरान पानी में डूबने से 4 महिलाओं समेत 8 लोगों की जान गई। माल नदी में अचानक आई बाढ़ में बहे कई लोग, विसर्जन के दौरान 100 से अधिक लोग थे नदी में मौजूद। एनडीआरएफ एसडीआरएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है, अब तक 50 लोगों को रेस्क्यू किया गया। हादसे में 13 लोग मामूली रूप से घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस के मुताबिक कई लोगों के लापता होने की आशंका है, रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश में लगी है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक बढ़ सकती है मृतकों की संख्या, पानी के तेज बहाव और अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही है परेशानी। जिला प्रशासन ने नदी का जलस्तर बढ़ने को लेकर अनाउंसमेंट किया, लेकिन पानी में तेज बहाव ने लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया। जलपाईगुड़ी हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, ट्वीट कर हादसे में अपनों को खोने वाले के प्रति जताई संवेदना। अजमेर के नसीराबाद में दुर्गा विसर्जन के दौरान 6 लोग पानी में डूबे, 5 की मौत, 1 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लखनऊ में भारी बारिश की वजह से गिरा दुर्गा पंडाल, बाल बाल बची लोगों की जान। हरियाणा के यमुनानगर में रावण दहन के दौरान हादसा हुआ, जलता हुआ रावण कई लोगों के ऊपर आ गिरा। दिल्ली के गांधीनगर में कपड़े के मार्केट में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियां मौके पर पहुंची, गांधीनगर के नेहरू गली में लगी थी आग, आग लगने की जांच की जाएगी। दुकान की पहली मंजिल पर लगी थी आग, कपड़ा होने की वजह से तेजी से फैली आग, आग ने कई और दुकानों को किया चपेट में। आग में जलकर लाखों का माल खाक हुआ, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। देशभर में विजयदशमी की धूम, दिल्ली के लाल किला मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले फूंके गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तीर चलाकर रावण का दहन किया, 100 फीट का बनाया गया था रावण का पुतला। रामलीला मैदान में जापान, इटली, रूस सहित कई विदेशी राजनयिक पहुंचे, पहली बार दशहरा के कल्चर को समझने के लिए हुए शामिल। दिल्ली के श्री धार्मिक रामलीला में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, तीर चलाकर रावण का दहन किया। महादेव की नगरी वाराणसी में जलाया गया रावण, लोगों ने जय श्री राम के लगाए नारे। झारखंड की राजधानी रांची में भी रावण दहन हुआ, लोगों ने जताई खुशी, बुराई पर अच्छाई की हुई जीत। कुल्लू के इंटरनेशनल दशहरा उत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी, कुल्लू टोपी पहनकर रघुनाथ जी के दर्शन किए, रथ खींचने की रस्म निभाई। दशहरा पर सोनिया गांधी ने कर्नाटक के भीमना कोली मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लाल किले पर आयोजित दशहरा समारोह में हुए शामिल। पटना के गांधी मैदान में 70 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन हुआ, 2 साल बाद रावण वध का भव्य कार्यक्रम। अमृतसर में भी विजयदशमी की धूम, फूके गए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले। देहरादून में भी दशहरे की रौनक, रावण दहन देखने के लिए पहुंची भारी भीड़। रायपुर के दशहरा उत्सव में शामिल हुए रामायण सीरियल के राम और सीता, अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया का सीएम भूपेश बघेल ने किया स्वागत। दिल्ली के लवकुश रामलीला में हुआ रावण दहन, एक्टर प्रभास ने धनुष बाण से लगाया रावण के पुतले पर निशाना। लखनऊ के ऐशबाग में वाटर प्रूफ रावण का हुआ दहन, पुतले पर लिखा सरतन से जुदा कट्टरपंथी मानसिकता का हो नाश। मथुरा में लंकेश भक्त मंडल में दशहरा के मौके पर की रावण की पूजा। भोपाल के टीटी नगर रामलीला ग्राउंड में किया गया रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन। श्रीनगर में क्रिकेट स्टेडियम के पास हुआ रावण दहन, शहर के लोगों ने किया लिया कार्यक्रम में हिस्सा। चंडीगढ़ में फूका गया अहंकारी रावण का पुतला, सीएम भगवंत मान रावण दहन कार्यक्रम में रहे मौजूद। दशहरे के मौके पर सूरत में अंतिम गरबा का आयोजन, भक्ति गानों पर झूमते नजर आए युवा। दशहरा के मौके पर रोशनी से नहाया मैसूर पैलेस, भव्य आयोजनों के बीच बड़ी संख्या में दशहरा देखने पहुंचे लोग। मंगलुरु में परंपरागत टाइगर डांस का आयोजन, बड़ी संख्या में देखने पहुंचे लोग, कलाकारों ने खूब हुआ कलाकारों का मनोरंजन। दशहरा के मौके पर मदुरई में अनोखा कार्यक्रम का आयोजन, अलग अलग एज ग्रुप के 108 कलाकारों के एक साथ बजाई वीणा। हरिद्वार में साधु संतों ने भी विजयदशमी पर अपने अस्त्र शस्त्रों की विधि विधान से पूजा की। इंदौर में भी पुलिस अधिकारियों ने विजयदशमी पर अपने शस्त्रों की पूजा अर्चना की। यूपी के बरेली में हरि मंदिर में शस्त्र पूजा के नाम पर जमकर फायरिंग हुई, पुलिस ने फायरिंग करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया। दशहरा पर पंजाबी महासभा ने की शस्त्र पूजा, पुलिस वीडियो के आधार पर फायरिंग करने वालों की कर रही है पहचान, एसपी सिटी ने कहा होगी कड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों ने 2 महिलाओं पर किया संदिग्ध स्प्रे, घटना में दोनों महिलाएं झुलसी। दोनों महिलाओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस ने एसिड अटैक से किया इनकार। जबलपुर में हुई घटना को लेकर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, कोतवाली थाना पहुंचकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया, पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। मैनपुरी में संदिग्ध हालत में घर में लटका मिला एक युवती का शव, परिवार वालों ने गांव के ही एक युवक पर लगाया रेप के बाद हत्या का आरोप, पुलिस जांच कर रही है। गुजरात के सूरत में ड्रग माफिया ला रखा पर कसा शिकंजा, प्रशासन माफिया के घर पर चलाया बुलडोजर। पुलिस ने
सूरत के होटल से 7,82,000 के एमडी ड्रग के साथ अल्लाह रखा गिरफ्तार किया था। ड्रग बेचने के मामले में 38 बार जा चुका है जेल। एमपी के मंदसौर में गरबा पंडाल पर पथराव मामले में पुलिस ने लिया एक्शन, 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोपियों में से 3 के घरों पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने दिया घर तोड़ने का आदेश। बीकानेर चाकूबाजी मामले में पुलिस पर लग रहे हैं आरोप, हमले में शामिल 2 आरोपी अभी भी फरार। रिलायंस फाउंडेशन के अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी कॉल करने वाले ने अंबानी परिवार का किया जिक्र, जांच में जुटी है पुलिस। धमकी मामले में मुंबई पुलिस ने दर्ज किया केस, एंटीलिया और अस्पताल की बढ़ाई गई सुरक्षा। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी चिंताजनक है, डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे मेदांता हॉस्पिटल, मुलायम सिंह यादव की तबीयत के बारे में ली जानकारी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव भी पहुंचे मेदांता अस्पताल, मुलायम सिंह का हालचाल लिया। डॉक्टरों से मिलने के बाद बोले लालू यादव, नेताजी के स्वास्थ्य में हो रहा है सुधार, हम उनके जल्द ठीक होने की करेंगे प्रार्थना। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी अस्पताल पहुंचकर उन्होंने तबियत की जानकारी ली, तेजस्वी ने कहा तबियत में हो रहा है सुधार। हिमाचल के बिलासपुर में पीएम ने एम्स का किया उद्घाटन, 3,650 करोड़ की परियोजना का भी लोकार्पण। पीएम मोदी बोले, अब लटकाने भटकाने अटकाने का वक्त गया, जिस परियोजना का शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण भी करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, बिलासपुर को शिक्षा और स्वास्थ्य का मिला डबल उपहार, आपको वोट की ताकत से डबल इंजन सरकार ने किया विकास। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का दावा, वोटर लिस्ट तैयार होते ही पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव होगा। बारामूला रैली में अमित शाह का विपक्षियों पर वार, कहा कश्मीर में अब हुई लोकतंत्र की बहाली। गुपकार गठबंधन पर शाह का अटैक, कहा गुपकार मॉडल में आतंकी बात युवाओं के लिए पत्थर, जबकि मोदी मॉडल में विकास की बात। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर हुई समीक्षा बैठक, राजभवन में गृहमंत्री अमित शाह और एलजी ने की मीटिंग। शहीद एसपीओ मुदस्सिर शेख के घर वालों से मिले गृहमंत्री अमित शाह, जैश के 3 आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे मुदस्सिर। नागपुर में मोहन भागवत ने कहा, अल्पसंख्यकों को कोई खतरा नहीं, संगठित हिंदू ने ना कभी किसी को खतरा हुआ और ना कभी होगा। असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, दशहरा पर मोहन भागवत के लिए हेट स्पीच का दिन। ओवैसी ने पूछा, अगर हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक तो असंतुलन कहां। रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में शामिल करने वाले कानूनों पर हस्ताक्षर किए, अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ने का हवाला दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति का रूस को जवाब, कहा यूक्रेन हर तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के रूस के नेताओं को दो चूक, कहा तुम ऑलरेडी युद्ध हार चुके हो। यूक्रेन के 4 प्रांतों को रूस में शामिल किए जाने के बाद पुतिन पर भड़के कीव शहर के लोग, बोले यह हमारा देश है और हम इसकी रक्षा करेंगे। कीव की सड़कों पर लोग चहलकदमी करते नजर आए, कैमरे के सामने अलग अलग पोज देकर यूक्रेन के लिए प्यार जाहिर किया। रूस में विलय के बाद डोनेट्स्क प्रांत के लोग बिना किसी बाधा के बॉर्डर क्रॉस करते हुए दिखे, कस्टम अधिकारियों ने बिना चेकिंग रूस में आने की दी अनुमति। यूक्रेन के जापोरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने वालों का वीडियो सामने आया, रूसी सेना के टॉर्चर की कहानी उन्होंने बयान की। खार्किव के कुछ इलाकों में बोट के जरिए पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री, रूसी सेना ने इन्हें दूसरे इलाकों से जोड़ने वाले ब्रिज को तबाह कर दिया था। काबुल में गृह मंत्रालय के पास बनी मस्जिद में विस्फोट, धमाके में 2 की मौत, कई जख्मी। नमाज पढ़ने के वक्त हुआ धमाका, अभी तक किसी ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। अमेरिका में चक्रवाती तूफान यान का कहर जारी है, तूफान की वजह से हुई भारी बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अर्केडिया के पीस रिवर में बाढ़ से कई इलाके पानी में डूबे, लोगों को बचाने का काम जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ्लोरिडा पहुंचकर हालात का जायजा लिया, पीड़ितों को दिया मदद का भरोसा। रूसी कॉस्मोनॉट ने 20 साल में पहली बार अमेरिका से भरी उड़ान, यूक्रेन संकट पर दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद अमेरिकी जापानी एस्ट्रोनॉट को ISS पर ले गए। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया मुंबई से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना, 23 अक्टूबर को पाकिस्तान से होगा पहला मुकाबला। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच आज लखनऊ में, दोनों टीमें होंगी आमने सामने, दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच पर बारिश का साया, मौसम विभाग ने लखनऊ में बारिश की जताई संभावना। ICC T20 की नई रैंकिंग में सूर्य कुमार दूसरे स्थान पर पहुंचे, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान पहले स्थान पर काबिज। मोहम्मद शमी T20 वर्ल्ड कप टीम में हो सकते हैं शामिल, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने दिए संकेत। वनडे विश्व कप 2023 में खेलना शिखर धवन का लक्ष्य, खुद को रखना चाहते हैं फिट। शिखर धवन ने कहा, T20 वर्ल्ड कप के स्टैंड बाय खिलाड़ियों के लिए वनडे सीरीज अच्छा मौका है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और अक्षर पटेल हुए नॉमिनेट। पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को हराया, 3 विकेट से जीत दर्ज की। महिला एशिया कप में UAE ने दर्ज की पहली जीत, मलेशिया को 7 विकेट से हराया। वुमेन्स अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम घोषित हुई, 11 अक्टूबर को अमेरिका से होगा पहला मुकाबला। स्पेन पुर्तगाल के साथ 2030 फीफा विश्व कप की मेजबानी कर सकता है, यूक्रेन ग्रुप में हुए शामिल।
फीफा वर्ल्ड कप में जलवा बिखेरेंगे नोरा फातेही, जेनिफर लोपेज और शकीरा के क्लब में हुई शामिल। भारत के पीआर श्रीजेश और सविता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का ऐलान। भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर, मनिका समेत तीनों खिलाड़ी हार गए। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में शूटिंग शामिल, महिला क्रिकेट दूसरी बार लिस्ट में, कुश्ती और तीरंदाजी नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।